आज अलैंगिक जनन में कायिक जनन की हम जो है मेथड देखेंगे वो है कृत्रिम कायिक जनन। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, अलैंगिक जनन जिसमें नर जननांग और मादा जननांग की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में हमने कायिक जनन देखा है ना, इससे पहली वाली क्लास में। कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें पौधे के जड़ तना पत्ती उसके द्वारा हम किसी एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, मतलब मात्र पौधे से नए पौधे का निर्माण होना, लेकिन जनन अंगों के द्वारा नहीं, पुष्प के द्वारा नहीं, है ना। तो जनन अंगों को छोड़कर वो कहलाता है कायिक जनन। तो हमने प्राकृतिक वाला पढ़ लिया कि नेचुरल कैसे होता है, जैसे मैंने आपको ब्रायोफिटम की पत्ती में बताया था कि उसमें अपिस्थानिक कलिकाएं निकलती है और वो पत्ती कहीं भी जमीन पे भी गाड़ दो तो भी उससे नया पौधा निकलना लगता है और वो कलिकाएं नीचे गिर जाती है, उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो नया पौधा बन जाता है। ऐसे ही ये कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब आपने देखा होगा कि आज के समय में क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो ज्यादा अर्निंग के लिए, कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, व्यवसायिक स्तर पर तरह तरह के पेड़ पौधों को क्या करते हैं, पौधों की ब्रांचेस को मिलाकर एक ही पौधे से नए तरीके की कलम को जोड़कर उससे क्या करते हैं, नए तरह के फ्लावर फूल है ना और फल ये सब पैदा करते हैं, ताकि उनको क्या होता है व्यवसायिक स्तर पे काफी अच्छी उससे अर्निंग होती है, आय के स्रोत बढ़ते हैं बेस्ट क्वालिटी का पौधा बनाने के लिए। जैसे हमारे पास में क्या है, एक पौधा जो है वो निकृष्ट किस्म का है, हम उसको उत्कृष्ट किस्म का बनाना है तो बना सकता है। किसान का काम है उद्यानिकी के लिए, फलोद्यान के लिए, सब्जियों के लिए क्या किया जाता है, इस कृत्रिम कायिक जनन का उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से दो पौधों को जोड़ना। अब उसके लिए अलग अलग तरीके बहुत सारे होते हैं, आपने विशेष करके आम में, अमरूद में, लीची में, गुलाब में, गुलमोहर में, इसमें गुड़हल में है ना, नींबू, संतरा, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम कायिक जनन का। लेकिन सबकी मेथड अलग अलग होती है, इससे क्या होता है बेस्ट क्वालिटी की फसल भी प्राप्त होती है, दूसरा समय से पहले फसल प्राप्त हो जाती है फल फूल, इसके अलावा एक ही पौधे पे अलग अलग तरह के फल या अलग अलग तरीके के फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। और आप सब कृषक परिवार से है ना, किसान परिवार से हैं, आपके घर में फलों का बगीचा भी होगा, फूलों की खेती भी होती होगी, सब्जियों की खेती भी होती होगी, तो उसके लिए आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स लोग जो है इस कायिक जनन का, कृत्रिम कायिक जनन का उपयोग करते हैं इस मेथड का, और उससे अच्छी से अच्छी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और अच्छी से अच्छी बेस्ट क्वालिटी की फसल का उत्पादन या फलों का फूलों का सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाए उसके लिए तकनीक अपनाई जाती है। तो इसके कुछ प्रकार है, पहला है कटिंग या कर्तन लगाना। कटिंग आपने गुलाब में सुना होगा, कलम लगाने की विधि कटिंग, उसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे पहले उनके टुकड़े कर लिए जाते हैं गुलाब उस कलम के, फिर टुकड़े करने के बाद में ये देखते हैं कि उसमें पर्व संधि होना चाहिए। जैसे हमने कलम काटी तो यहाँ पे ये कलम है, इस कलम के बीचों बीच में यहाँ पे पर्व संधि होती है, गठान कली है ना, जहां से नई शाखाएं निकलती है, तो इसे काट लो इनको, इनको जमीन में गाड़ दो, मिट्टी में दबा दो, तो उनसे क्या होता है जब अनुकूल परिस्थितियां आती है। इसके अलावा इनमें कुछ रसायन या हार्मोन, जैसे इंडोर ब्यूटेरिक एसिड होता है IBA, एक हार्मोन होता है, रसायन होता है इंडोर ब्यूटेरिक अम्ल एसिड, उसका इस पे छिड़काव कर दिया जाता है। और सामान्य परिस्थितियां जैसे इनको मिलती अनुकूल परिस्थितियां, और ये क्या होती है यहाँ से अंकुरित हो जाती है और नया पौधा बन जाता है, इससे हम इसको पृथक कर लेते हैं। तो ये गुलाब की नई कलम में, इसमें गन्ने में, गुड़हल में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है दाम या डाली लगाना। दाम या डाली लगाना लेयरिंग, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं चमेली और इनके, इनमें क्या किया जाता है, मात्र पौधा एक है जैसे चमेली का, ये एक पौधा है चमेली का, अब इसको क्या करेंगे, इससे एक शाखा ली, इससे एक शाखा ली, और इस शाखा को क्या करेंगे, इस शाखा को यहाँ से लेके ऐसे जमीन में गाड़ देते हैं मिट्टी में, है ना, फिर इससे क्या होगा थोड़े समय बाद जब अनुकूल परिस्थितियां आती है समय कुछ समय के पश्चात इससे जड़े निकलना प्रारंभ हो जाती है, इसको हम दाब लगाना कहते हैं, दबा दिया मिट्टी में, जड़े निकल गई, इसको इससे काट कर अलग कर दिया, तो अलग कर दिया तो इससे मात्र पौधे से एक नए पौधे का निर्माण हो गया। तो इसमें किसी जनन अंग ने भाग लिया क्या, नहीं, और ये चीज हमको करना पड़ी, इसके जनन कौन सा कहलाएगा, कृत्रिम कायिक जनन। फिर उसके बाद देखते हैं टेबल लगाना या कलम बांधना, ग्राफ्टिंग, कलम ये कलम कटिंग थी, इसमें कटिंग करके और फिर उसके बाद में कलमों की जिसमें नोड होना चाहिए और उसके बाद में उसको बोलते हो, इसमें कलम लगाना या पेबंद बांधना या ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी मेथड है ग्राफ्टिंग की है। इसमें क्या करते हैं, एक पहला वाला जो पौधा, दो पौधे लिए, दो पौधों की कलम ली जाती है, एक ये नीचे वाला जो होता है इसको कहते हैं स्टॉक, क्या कहेंगे इसको, स्टॉक मतलब स्कंद, स्कंद मतलब
पौधे की, मतलब दूसरे गुलाब के पौधे की एक डगाल या एक शाखा लेकर आएंगे, जिसको कहते हैं शायन। शायन कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, शायन कहते हैं, SCION, ठीक है। इसको कलम ऐसे बोलते हैं, इसको कलम, और ये स्कंद। अब ये स्कंद तो मात्र पौधा हो गया, मेन इसको लाके इसमें बांधना है, जोड़ना है गुलाब की दो कलमों को लेकर। और भी किसी में होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा रखा है, पेमेंट लगाना है बांधना नींबू में, अमरूद में, नाशपति में, या एक ही शाखा पर हमको अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं, गुड़हल के, लाल भी, पीला भी, गुलाबी भी, तब इसकी शाखा लगे या बांधेंगे। अब इसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसी कटिंग की जाती है, ऐसे कटिंग करी इसकी, फिर उसके बाद में इसमें इसको कटिंग करके इसको इसके अंदर प्रवेश करवा देते हैं, और दोनों को बांध दिया जाता है पॉलीथीन से, और ऊपर से रस्सी से पैक कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में इसकी क्वालिटी जो के जो गुण होते हैं है ना, वो इसमें चले जाते हैं, नए पौधे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये कहलाता है कलम बांधना या पेपर लगाना या ग्राफ्टिंग, कल ही लगाना, बट ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जैसा ही होता है, सेम ऐसे ही होता है कि एक के ऊपर दूसरी कलम को लाके जोड़ना, लेकिन इसमें कली को जोड़ते हैं। जैसे क्या करा कि ये कलम है, अब इसमें बीच में से टी आकार का भी आए अलग अलग प्रकार के, तो ऐसे कट लगा दिया, और दूसरे वाले गुलाब की उसमें से एक कली लेकर आए, क्या लेकर आए, और इस कली को यहाँ पे प्रत्यारोपित कर दिया इस पे। तो यहाँ से क्या होता है, इसके साथ अटैच हो जाती है, वही बांधने बांध देते हैं इसको, और अटैच होके और ये क्या करेगी, यहीं पे क्या होगी, इसमें से नया पौधे का विकास, नई शाखा का विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पेबंद लगाना या कलम बांधना, ग्राफ्टिंग, और ये है कली लगाना, बट ग्राफ्टिंग, बट मतलब कली, कली के साथ ग्राफ्टिंग कर दी हमने, ग्राफ्टिंग मतलब दूसरे पे ग्राफ्ट करना। फिर है बूटी लगाना, क्या लगाना, बूटी लगाने में क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनको दबाकर, जैसे इसमें किया था हमने दाब लगाना, जैसे मोटी मोटी टहनियां होती तो उनको दबाकर नीचे नहीं दबा सकते मिट्टी में, और नई जड़ें अंकुरित नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी मजबूत होती है। तो इसमें क्या करते हैं, नया पौधा विकसित करने के लिए, बूटी के लिए, इसमें अमरूद में, संतरा, लीची, नींबू, इनमें क्या किया जाता है, जिससे ये एक शाखा है ना, इसपे ये तना, इसपे एक शाखा है, तो यहाँ से क्या करा, इसको छील दिया, क्या करा, छील दिया, और छीलने के बाद में इसपे यहाँ पे मिट्टी का लेप कर दिया, इसका लेप कर दिया, गीली मिट्टी लपेट दी हमने, और गीली मिट्टी लपेटने के बाद में कुछ समय तक इसको ऐसे ही रखा, तो कुछ समय बाद हार्मोन से भी उपचारित करते हैं इसको, और पानी के लिए यहाँ पे एक मटका भी बांध देते हैं, जब तक इसमें पानी गिरता रहे, गीली रहे, नमी रहे, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जड़ें अंकुरित हो जाती है, और जड़ें अंकुरित हो जाती है तो इसको इस मात्र पौधे से अलग कर लेते हैं, जब इसमें जड़ें आ जाती है, इसको यहाँ से अलग करा और नए प्लांट में, नए उस प्लांट के रूप में गमले में इसको प्रत्यारोपित कर दिया। तो इसको कहते हैं बूटी लगाना, थैली से बांधना पड़ता है इसको भी, ताकि मिट्टी सूखे नहीं, तो इसको कहेंगे बूटी लगाना। ये मेथड मैं आपको सब इसलिए बता रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सारा काम आएगा, और कभी कभी क्या होता है खाली एक ही विधि पूछ ली जाती है, बूटी लगाना से आप क्या समझते हो, बूटी लगाने की विधि को चित्र सहित समझाइए, या किसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, या अगर ऐसे ऐसी विधि अपनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे नाम पूछेंगे। फिर उसके बाद में बूटी के बाद में शाखा प्रबंधन, शाखा बंधन, इनार्चिंग, इनार्चिंग में क्या होता है, दो पौधे होते हैं, जैसे इसमें दो पौधे लिए, एक पौधा ये, दूसरा पौधा ये, और दोनों की ब्रांच एक निकृष्ट किस्म का है, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक उत्कृष्ट किस्म का है, अच्छी किस्म वाला है, दोनों को ऐसे मिला के और बांध दिया, दोनों की शाखाओं को बांध दिया। जब दोनों की शाखाओं को बांध देते हैं तो कुछ समय बाद ऊपर क्या होने लगता है, उसमें पत्तियां, फल, फूल जो भी वो आते हैं, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो जैसे हमने एक प्लांट ये वाला लिया गमले में लगा हुआ है, और दूसरा ये वाला लिया, ये इसकी शाखा है ना, ये भी यहाँ गमले में लगा हुआ है, ये भी यहाँ गमले में लगा हुआ है, ये दोनों को, इनकी शाखाओं को दोनों को हमने यहाँ पे बांध दिया, तो ये वाला हमारा है निकृष्ट किस्म का, ये कौन सा है, ये निकृष्ट है, और ये वाला उत्कृष्ट है ना, मतलब अच्छी बेस्ट क्वालिटी का, हाँ, तो अब ये उत्कृष्ट किस्म वाला, इन दोनों को बांध दिया। तो जब बांध दिया तो ये जो है, जब इस तरह से बंधेगा तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़े समय बाद में, जब इसमें कुछ समय लगता है उसके बाद में हम देखते हैं तो इनमें पत्तियां आना चालू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, निकृष्ट किस्म के इस नीचे वाले को इधर से हटा देंगे और उत्कृष्ट वाले को इधर से हटा देंगे, तो ये दोनों जुड़ के और कैसे बन जाएंगे, बेस्ट क्वालिटी वाला बन जाएगा, इसको कहते हैं इनार्चिंग, क्या कहेंगे, इनार्चिंग। नाम याद रखना किस किस में होती है, मैंने कम उदाहरण लिखे हैं, बहुत सारे उदाहरण है इनमें, तो ये आलू, टमाटर, इनमें होता है, इनको बांध के और क्वालिटी चेंज की जाती है,
कभी कभी हमको लगता है ना कि इसकी एक ही प्रजाति के होना चाहिए, एक ही प्रजाति उपजाति के, हमको लगता ना ये पौधा हमारा इतने अच्छे फल नहीं दे रहा, इतने फूल अच्छे नहीं आ रहे, उसके उसमें बहुत अच्छे फल फूल आ रहे हैं, तो क्या करें, तो ये वाली विधियां अपनानी पड़ती है उसके लिए। फिर ये सूक्ष्म प्रवर्धन आधुनिक तकनीक के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन, इसको ऊतक संवर्धन भी कहा जाता है। अपने यहाँ ऊतक संवर्धन की टेक्निक से बहुत सारे पौधे बहुत सारी फसलें तैयार की जाती है, आर्किड, सतावर, गुलदाउदी, इनमें क्या किया जाता है ऊतक संवर्धन में, ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पौधे के पुष्प वाले भाग को छोड़कर जड़, तना, पत्ती, कहीं से भी हम ऊतक का टुकड़ा ले लें और उस ऊतक के टुकड़े को हम संवर्धन माध्यम में, लेकिन अजर्मीकृत अवस्था में, मान लीजिए कि ये एक अजर्मीकृत अवस्था, मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये कोई पौधा है उसकी पत्ती से, जड़ से भी ले सकते हैं, तने से भी ले सकते हैं, फूल से नहीं ले सकते, एक टुकड़ा ले लिया ऊतक का, उसको यहाँ पे प्रत्यारोपित कर दिया, यहाँ पे हमने सारे पोषक संवर्धन माध्यम रखे, मतलब इसमें सारे पोषक तत्व हैं, इस माध्यम में, इस घोल में सारे पोषक तत्व हैं जो इसकी वृद्धि करने के लिए आवश्यक है, और उसके बाद में इस ऊतक के टुकड़े को ऐसे रखेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार के जीवाणु नहीं पहुंचे, विषाणु जनित, यहाँ पे कॉटन ढक देते हैं, पूरा कॉटन से इसको बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा दिया, हवा तो जाएगी लेकिन विषाणु जीवाणु नहीं जाएंगे। अब ये जो ऊतक का टुकड़ा है ये इसमें ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, और बढ़ते 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 ये क्या करेगा, ऐसा एक गुच्छे नुमा संरचना बना लेगा, ऐसी पूरी गुच्छे नुमा, जिसको हम कहते हैं केलस, क्या कहते हैं, ऊतकों का अनियमित संगठन केलस कहलाता है, पूरा अनियमित रूप से गुच्छा, और इसको यदि हम यहाँ पर धीरे धीरे इसमें भी हार्मोन के द्वारा इसको उपचारित करेंगे, संवर्धित माध्यम में रखेंगे, और जब ये धीरे 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 इससे क्या होगा, एक नवोद्भित पौधा बन जाएगा, क्या बनेगा, ऐसी छोटी छोटी पत्तियां निकलेगी और एक पौधा बन जाएगा, फिर इसमें जड़ें भी आ जाएगी, और फिर इसको यहां से उठा के और एक गमले में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक से इस ऊतक से हजारों लाखों की संख्या में हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ऊतक संवर्धन एक आधुनिक तकनीक है जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं या सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं, कि छोटे से छोटे टुकड़े से, जड़, तना, पत्ती के छोटे से छोटे टुकड़े से ऊतक से एक नए पौधे के निर्माण की क्रियाविधि कहलाती है ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन, और ये आधुनिक तकनीक है, आर्किड्स में सतावर, गुलदाउदी, इनमें इसको अपनाया जाता है। तो ये पूरा था कृत्रिम कायिक जनन, कौन सा, कृत्रिम कायिक जनन। अब एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, कायिक जनन से आप क्या समझते हैं, कायिक जनन के लाभ हानि बताओ, या कायिक जनन क्या है उसकी दोनों विधियों को विस्तार से समझाइए, या कायिक जनन की किसी एक विधि का नाम भी पूछ रहे हैं कि कायिक जनन क्या है, गुटी लगाना से आप क्या समझते हैं, ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, या वो पूछ लेंगे कटिंग क्या होती है, दाब लगाना क्या होता है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कायिक जनन की, कायिक जनन किसे कहते हैं, ब्रायोफिलम में, जो आपको मैंने पहले बताया प्राकृतिक वाला वर्धी प्रजनन, ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन की तकनीक का सचित्र वर्णन करो, तो उसमें आपको चित्र सहित बताना पड़ेगा, ठीक है ना, तो शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके।